मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मेरा शेफलेरा का प्लांट है और इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ इसकी हो रही है मेरे पास, और इंडोर प्लांट है ये। इसे मैंने अपनी बालकनी में रखा हुआ है जहाँ पर इसे पूरे दिन की रोशनी मिलती है। तो इंडोर प्लांट है, इसे रोशनी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत नहीं होती। और इसे जो मैंने पॉट साइज दिया है वो 14 इंच पॉट साइज में इसे मैंने जो है जगह दी हुई है, जिसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी सी हो रही है। और जो इस प्लांट के लिए सोइल मिक्सचर मैंने तैयार किया है उसमें मैंने जो यूज़ किया है 70% भालू मट्टी जिसमें रेत शामिल होती है, और 30% काउडंग यानी गाय का गोबर, ये वाला सोइल मिक्सचर मैंने अपने इस प्लांट के लिए यूज़ किया है। और इसकी केयर में वाटरिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडोर प्लांट के लिए अगर आप इसे डेली वाटरिंग करते हैं या सूखे बगैर ही बार बार इसमें वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर ये प्लांट जो है इसकी गल जो जड़ें हैं वो गल सड़ जाएगी। इसलिए मेरे पास जो ये शेफलेरा का प्लांट है इसमें जब मैं वाटरिंग कर रहा हूँ तो तकरीबन 7 से 8 दिनों में एक मर्तबा वाटरिंग मैं इसमें कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंडोर है, धूप यहाँ पड़ती नहीं है, तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो जल्दी सूखता नहीं है, मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है। तो जब तक मिट्टी में नमी बनी हुई हो उस वक्त तक वाटरिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मुझे इसकी 1 इंच तक की मिट्टी ऊपर की जो सरफेस है इसका मुझे सूखा हुआ महसूस होने लगता है कि अब ये सूख रहा है, तो मैं इससे वाटरिंग कर देता हूँ। तो इस दौरान में 1 वीक लग जाता है, और सर्दियों में तो मुझे महीना महीना इसमें एक डेढ़ महीना मुझे वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि एक बार जब भी मैं इसमें वाटरिंग करता हूँ तो इतना वाटर इसमें देता हूँ कि पूरा नीचे तक पहुँच जाए, बल्कि नीचे से ड्रेन होकर निकलना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि जड़ें नीचे तक जाती है तो नीचे अगर आप सिर्फ थोड़ा सा पानी देंगे ऊपर को, ऊपर की मिट्टी को गीला करेंगे तो नीचे की मिट्टी में जो जड़ें हैं उनको पानी मिलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे की जड़ों से जिन लीव्स के ताल्लुक होगा वो सूखना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी वाटर दे पूरा भर भर कर वाटर दे, लेकिन आपका ड्रेनिंग आपके पॉट का ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने भर कर वाटर दिया और नीचे से पानी नहीं निकल रहा हो, अंदर ही जमा रहे, तो वो पानी तो फिर 5-6 महीने तक सूखेगा नहीं, और इस तरह इस दौरान में आपका जो पूरा पौधा है वो ख़राब भी हो जाएगा। तो ड्रेनिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि मैंने भी अच्छा रखा हुआ है। और खाद जो है मैं इसमें 6 महीने में एक बार देता हूँ, काउडंग थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ इसमें 6-6 महीने में, क्योंकि इंडोर प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही ग्रोथ करते रहते हैं, बस इनकी वाटरिंग की जो है केयर करनी पड़ती है। और बहुत ही इजी टू ग्रो होता है इंडोर प्लांट केयर करने के लिए। तो कैसा लगा मेरा ये शेफलेरा का प्लांट मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसके लिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। चले अला।